हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। इस वीडियो में बात करेंगे हम दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे शानदार ऑलराउंडर के तौर पे अपना नाम दर्ज करा चुके साकिब अल हसन का। जी हां, साकिब अल हसन की बात इसलिए करेंगे क्योंकि वो लगातार बीसीबी से यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ी देर के लिए जो आराम है वो दी जाए। और इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो रिक्वेस्ट था साकिब अल हसन का कि उन्हें कुछ दिनों का आराम चाहिए, वो उस आराम को लेकर वो रिक्वेस्ट जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। और इस बीच आपको बता दें कि साकिब अल हसन आगामी यानी 30 अप्रैल तक रेस्ट में रहेंगे। वो इंटरनेशनल क्रिकेट से आराम ले चुके हैं और उनके इस रिक्वेस्ट को सुनवाई करते हुए बीसीबी ने यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ये अनुमति दे दी है और वो 30 अप्रैल तक अब आराम करेंगे। हालांकि जिस तरीके से ये खबर आ रही थी कि आखिर क्यों साकिब अल हसन है जो वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से कुछ दिनों के लिए, तो आपको बता दें कि मानसिक और शारीरिक परेशानी से जिस तरीके से साकिब अल हसन जूझ रहे थे, ऐसा रिपोर्ट्स में लगातार आ रही थी खबरें कि साकिब अल हसन इसीलिए अपना जो आराम के लिए जो वक्त है वो बीसीबी से मांग रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि आईपीएल के करियर की बात करें, क्योंकि आगामी 26 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है और साकिब अल हसन आईपीएल 2022 के सीजन में कहीं ना कहीं बहुत ही झटका लगा उनके फैंस को जब वो अनसोल्ड रह गए। और आपको ये भी बता दें कि लंबे वक्त तक केकेआर के लिए साकिब अल हसन ने खेला है और साथ ही साथ 2011 में जिस तरीके से साकिब अल हसन ने आईपीएल में डेब्यू था उनका, बहुत ही शानदार उनका जो है आईपीएल के साथ उनका रिश्ता रहा है, उनका जो लगातार जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया उन्होंने जब जब उन्हें मौके मिले। और आपको साथ में एक अपडेट और दे देगी, साल 2020 का भी जो आईपीएल था वो साकिब अल हसन ने मिस किया था और उसके बाद जब आईपीएल मेगा ऑक्शन में यानी 12 और 13 तारीख को जो बेंगलुरु में मेगा ऑक्शन हुआ था उसमें साकिब अल हसन अनसोल्ड रह गए थे। तो कहीं ना कहीं जो अपडेट थी साकिब अल हसन को लेकर, क्योंकि दुनिया के शानदार ऑलराउंडरों में शुमार है ये खिलाड़ी साकिब अल हसन और इन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से अपने आराम के लिए कुछ वक्त मांगा था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से कुछ वक्त के लिए आराम की गुजारिश की थी उन्होंने। और इस गुजारिश पर कहीं ना कहीं बीसीबी ने यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इनके उस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया और अब 30 अप्रैल तक इनको इंटरनेशनल क्रिकेट से आराम दिया गया है। आपको ये खबर कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।